नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है ग्रह क्लेश। तो ग्रह क्लेश के लिए चलो करते हैं विश्लेषण। पहुँचते हैं पहले शनि पर्वत पर। शनि की उंगली यह बिल्कुल सीधी हो और हष्ट पुष्ट मांसल हो। उसके नीचे सूर्य पर्वत यह सुविकसित हो और यहाँ पर कोई अशुभ निशान ना हो। और जो सूर्य रेखा है वह पतली गहरी स्पष्ट और निर्दोष हो। सब इशारा कर रहे हैं कि सूर्य मजबूत। जब सूर्य मजबूत होता है तो जातक को सफलता भी दिलाता है, संपन्नता भी दिलाता है, मान सम्मान और यश भी दिलाता है। लेकिन इसी सूर्य क्षेत्र से एक रेखा निकली और इसने काटा हृदय रेखा को, फिर काटा मस्तक रेखा को और फिर जाके मिल गई आपके जीवन रेखा में। जब ऐसी रेखा होती है ना जो सूर्य क्षेत्र से निकले और हृदय रेखा को काटते हुए मस्तक रेखा को काटते हुए जीवन रेखा में समाहित हो जाए, ये उम्र होगी लगभग 40 के आसपास। तो ऐसे जातक के घर में बड़ा ग्रह क्लेश होता है, बड़ी अशांति होती है, परिवार में उथल पुथल मची रहती है। ऐसे में जातक बहुत हताश और निराश और दुखी हो जाता है। मन में आता है सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि सूर्य बहुत मजबूत है। यद्यपि जातक की बड़ी इच्छा है सफल होने की, संपन्न होने की, मान सम्मान पाने की, यश पाने की, लेकिन यह ग्रह क्लेश उसको बहुत दुखी कर रहा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है ना तो जातक को संसार की तरफ आकर्षित करता है। जब शनि अच्छा होता है तो जातक को संसार से संन्यास की तरफ आकर्षित करता है। और ये रेखा जो सूर्य क्षेत्र से निकली आके मिली जीवन रेखा में, ये बहुत अशुभ ग्रह क्लेश करवाती है, अशांति करवाती है। लेकिन मन में भी आ सकता है कि यह ऑफ शूट क्यों नहीं। ऑफ शूट भी जीवन रेखा से निकलता है और जब सूर्य के पर्वत के अंदर पहुंचता है, सूर्य क्षेत्र के अंदर पहुंचता है, तो जातक को बड़ा मान सम्मान, यश, धन और सफलता दिलाता है। लेकिन ये ऑफ शूट नहीं है। जब कोई रेखा नीचे से ऊपर की तरफ जाए किसी पर्वत की तरफ, तो इसका निचली तरफ से जहाँ से निकल रही है वहाँ थोड़ी मोटी हो और जिस पर्वत पर पहुँच रही है वहाँ पतली हो जाए, तो ये रेखा नीचे से ऊपर जा रही है। अगर कोई रेखा ऊपर की तरफ मोटी हो और नीचे की तरफ आते हुए पतली हो जाए, तो फिर यह जीवन रेखा की शाखा नहीं, ये तो उस पर्वत क्षेत्र की रेखा है। तो यहाँ पर यह रेखा सूर्य क्षेत्र से आके जीवन रेखा में समाहित हो रही है, इशारा कर रही है कि जातक के घर में बहुत क्लेश, जातक बहुत दुखी। तो ये कुछ तथ्य थे जिन्होंने हमको इशारा दिया कि जातक के घर में बहुत ग्रह क्लेश है, उथल पुथल है, जातक दुखी है उससे। लेकिन जातक सफलता के लिए, संपन्नता के लिए, यश और मान सम्मान सब कुछ चाहता है जीवन में। और साथ में कौन सी
रेखा जीवन रेखा की शाखा होती है और कौन सी रेखा किसी पर्वत क्षेत्र से आके जीवन रेखा में मिलती है, ये भी अब आपको अंतर मालूम पड़ा। ये सब तथ्य आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।